I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. भाई सेवाराम जी, हमार बिटिया साक्षात लक्ष्मी है। आपकी ऐसी सेवा करेगी कि आप भूल जाएंगे आपके घर बिटिया नहीं जन्मी। अब हम ज्यादा क्या तारीफ करें, खुदा ही देख लो। अरे बिटिया सुनाओ। भाई सेवाराम जी, ये है हमार बिटिया। अरे बेटी तनी अपना नाम तो बताओ। चंदो। अरे सेवाराम जी, ऐसे कैसे जा रहे जन्म जरा मेरी बात सुनिए। अरे नहीं बाबा नहीं। देखनी नहीं आया तेरे को? तेरी चिट्ठिया देख के तो बेहोश हो जाएगा। भाग जा, शैतान कहेंगे। अरे ओ मौसी, आज अकेली आ गई तालाब पे। तुम्हारी बेटी जमुना कहाँ गई? वो तो अपने ससुराल चली गई। अरे ससुराल चली गई तो मुझे बुला लेना था। हटो, मैं धो देती हूँ। नहीं बेटी, मैं धो लेती हूँ। हटो ना मौसी। भगवान तेरा भला करे, तुझे अच्छा सा दूल्हा मिले। वो मेरे भाग में नहीं है मौसी। लोग मुझे देखने आते हैं, देख के कहते हैं हमें लड़की पसंद नहीं और चले जाते हैं। ऐसे जी छोटा नहीं करते बेटी। देखना, एक दिन विलायत से गोरा गोरा राजकुमार आएगा, तुझे ब्याह करके ले जाएगा। जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन मैं तुम्हें घी चक्कर खिलाऊंगी। देवी मैया, तुझे तो मालूम है मेरी माँ बचपन में ही मर गई। तब से मैंने तुझे ही अपनी माँ माना है। तू कैसी माँ है? तुझे अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं दिखाई देते? सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती है कि मैं बदसूरत हूँ, इसके लिए मुझसे कोई शादी नहीं करता। आज मुझे कुछ लोग देखने आ रहे हैं, मेरी बेइज्जती मत होने देना माँ। बाबूराम जी, घरवाली के गुजर जाने के बाद आज तक ये घर हमारे बेटी के चंदो ने संभाला है। उसके गुण, उसका स्वभाव ही उसका गहना है। बहन जी, लड़की क्या है? गैया है, गैया। बापू, शरबत यहाँ रख दू? हाँ बेटी रख दे। ठंडा ठंडा शरबत है, जल्दी से पी लो, नहीं तो गर्म हो जाएगा। बापू,
तुम परेशान क्यों होते हो? वो लोग चले गए तो जाने दो, शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। बेटी, मैं चली गई तो तुम्हारे खाने पीने का क्या होगा? इस घर की देखभाल कौन करेगा? मुझे शादी नहीं करनी बाबू। ऐसा नहीं कहते। अरे पगली, बेटी तो होती ही पराया धन है। देख, तेरे साथ की कितनी लड़कियों के ब्याह हो गए, दो दो बार तू अपने महके आकर चली गई। मैंने बहुत सी बारातों में खाना खाया है बेटी। मेरा जी चाहता है मेरे आंगन में शहनाई बजे, मैं भी गांव वालों को दावत दूं, मैं भी अपनी बेटी को विदा करूं। अच्छा ये बताओ, मेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी हो तो? नहीं बेटे, लड़की के जन्म लेने से पहले ही उसका पति जन्म ले लेता है। बेटे, मैं बनारस काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जाऊंगा और वहां तेरे ब्याह के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। सुना बेटे, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, सबकी इच्छा पूरी होती है। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, अब मुझसे अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते, उसके हाथ पीले हो जाएं, यही आस लेकर मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ए, अंधा हो गया क्या? देख के नहीं चलता? माफ करना भाई। हाँ? अरे रामलाल, भीमा तू? अरे भीमा। अरे कितने सालों के बाद मिला है? हाँ, बहुत बरसों के बाद मिला है। कैसा है तू? बस ऊपर वाले की कृपा है और ये सब तेरे कारण है। अरे मेरे क्या कारण है यार? अरे हाँ, उस वक्त अगर तूने हिम्मत करके मेरे हक में गवाही नहीं दी होती ना, तो गांव का मुखिया झूठे इल्जाम में मुझे जेल भिजवा देता और मेरी सारी जमीन हड़प कर लेता। आज वही जमीन सोना उगल रही है यार। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भुला सकता। इसमें एहसान की क्या बात है? अरे एहसान है, मेरे दिल से पूछ यार तू। अच्छा और बता, भाभी कैसी है? यार 10 साल हुए तेरी भाभी का स्वर्गवास हो गया। अरे राम 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 राम। अरे बेवकूफ की औलाद, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहां से बताता तुझे, मैं अपनी परेशानियों में खुद उलझा हुआ था। तेरी भाभी के चले जाने का दुख तो मैं झेल गया, लेकिन वो जो निशानी छोड़ गई है उसका दुख नहीं झेल पा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटी जवान हो गई है, कब तक उसे घर में बैठा के रखूं? कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ पा रहा है, इसीलिए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में माथा टेकने चला आया। शायद इनके आशीर्वाद से मेरी और मेरी बेटी चंदों की परेशानियां दूर हो जाएं। अरे तो इसमें परेशानी कैसी? समझ ले कि भगवान ने तेरी सुन ली, आते महीने तेरी बेटी की शादी पक्की। क्या? अबे ऐसे हैरान होकर क्या देख रहा है तू? क्या समझता है कि तू बेटी पैदा कर सकता है तो मैं बेटा पैदा नहीं कर सकता? अगले महीने मेरे बेटे किशन और तेरी बेटी चंदो की शादी धूमधाम से होगी। अरे पर भीम, ये शादी ब्याह का मामला है, अपने बेटे से तो पूछ ले। अरे उस उल्लू के पट्टे से क्या पूछना है? मैं उसे कहूँ खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जाएगा। इस फरमा बरदारी से पाला मैंने उसे। लेकिन एक बार किशन को लड़की तो देख लेने दे। फिर वही बात। अरे उसे देखने की क्या जरूरत है? भीम सिंह ने तेरी दोस्ती देखी है मेरे यार। अगर उस वक्त तूने मेरी उस मुकदमे में मदद ना की होती ना, तो मेरी शादी कहां से होती? और शादी नहीं होती तो ये उल्लू का पट्टा किशन कहां से पैदा होता? और फिर दोस्त की बेटी छोड़कर पराए की चौखट पर बहू ढूंढने क्यों जाऊं? वो तो सब ठीक है, लेकिन बकवास बंद कर यार। ठाकुर की जुबान पर विश्वास नहीं है क्या? आज इस पवित्र स्थान पर भगवान को साक्षी मानकर मैं अपने बेटे और तुम्हारी बेटी की सगाई पक्की करता हूँ। ले भगवान का प्रसाद खा ले थोड़ा सा। ले मुंह खोल, आज से मेरा संधि। हेलो, मॉर्निंग। हेलो किशन जी, हाँ मैं टाइम पर हूँ। सलाम अलैकुम। हाय हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कल्पना।
सर, जैसा आपने कहा था 200 कैसेट्स लखनऊ भेज दिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। मिस्टर किशन, आज आपको साथ लिए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगी। माँ ने अल्टीमेटम दे दिया है, किशन साहब को साथ लेकर आना। साहब, आज आपको मेरे घर चाय पीने चलना ही पड़ेगा। जरूर चलता, लेकिन वो क्या है कि मेरे मामा के चाचे की भाई की बहन की शादी है, इसलिए फिर कभी जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। अरे किशन तो बड़ा लकी है यार। हाँ यार, सारी लड़कियां उसी पे लाइन मारती हैं। उसका तो नसीब है बाबा। एक्सक्यूज मी। यस लक्ष्मी। इडियट। लो, दूसरी भी पहुंच गई। अबे दूसरी क्या, अभी देखना तीसरी भी जाएगी। मिस्टर किशन। यस। मैं कल्पना को अच्छी तरह जानती हूँ, उसकी बातों में मत आना, बड़ी चालाक है। अच्छा। हाँ, मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी। कभी मुझे भी थैंक यू कहने का मौका दीजिए ना। चंद्रलोक में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए साथ देखते हैं, शाम अच्छी गुजर जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है, अपनी आंखों का टेस्ट करवाना है, इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर कभी। ओके, जरूर आएंगे ना। हाँ जरूर आऊंगा। देखा कैसी लड़कियां गिरी पड़ रही थी। अरे लो आ गया अपना यार। आओ आओ मेरे किशन के भैया, बैठ यार। अरे भाई, इनकी तो गोपियां ही गोपियां है। हाँ भाई, एक चाय भेजना दोस्त। अरे भाई, हमने स्वयंवर के बारे में तो सुना था, लेकिन यहाँ स्वयं वधू हो रहा है, बोलो किसके गले में वधू माला डालोगे। छोड़ यार, वो भी कोई लड़की है। क्यों, तुम उन्हें लड़कियां नहीं समझते? तो कैसी अप्सरा चाहिए भाई तुम्हें? कैसी अप्सरा चाहिए मुझे? वो अप्सरा जानते हो कैसी होगी? रख लो। पाए लागू। जयराम जी की मंगलू क्या रहे? राम राम भैया। अरे ओ गंगा। ओ माँ। माँ। जीते रहो। कैसी है माँ? अच्छी हूँ। अचानक मुझे क्यों बुलाया? और बाहर तैयारी हो रही है, कोई पूजा है? नहीं, फिर? शादी की तैयारी हो रही है। शादी? किसकी शादी? तेरी शादी। मेरी शादी? और नहीं तो क्या, तेरे बाप की शादी। लेकिन पिताजी, लड़की कौन है? मेरे जिगरी दोस्त की लड़की है। वो तो ठीक है, एकदम सुशील और घरेलू है, चौका चूल्हा झाड़ू भारी लीपा पोती सब जानती है। मगर लड़की देखे बिना मैम। क्या, लड़की देखे बिना? अबे उल्लू के पट्टे, मेरे दादा ने मेरी दादी को नहीं देखा, मेरे बाप ने मेरी माँ को नहीं देखा, और मैंने तेरी माँ को नहीं देखा। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की देखने का रिवाज नहीं है। मगर पिताजी, वो बस बनकर और कुछ पूछना है तो अपनी माँ से पूछ। सीताराम। माँ, what's all this bloody nonsense? क्या है रे? मुझसे पूछे बगैर शादी क्यों तय की गई? आप लोग समझते क्या मुझे, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? मेरी भी पसंद नापसंद है, मुझे कब कहाँ और किससे शादी करनी है इसका फैसला मैं करूँगा, सिर्फ मैं। वाह बेटा, चार पैसे क्या कमाने लग गया, माँ बाप को अकड़ दिखाने लगा। तेरे बाप को पता चल गया ना तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। कुछ भी हो, मैं लड़की जरूर देखूंगा, लड़की देखने के बाद ही शादी होगी। अरे बेटा, उसका बाप 80 तोले सोना दे रहा है। मुझे परवाह नहीं। 15 एकड़ जमीन उसके नाम पे कर दी है। अरे बाबा, मुझे सोना जमीन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पसंद की लड़की चाहिए, अंडरस्टैंड, अपनी पसंद की। मेरा मगज मत खा, जो कुछ कहना अपने बाप से जाके कह। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, ना मैं ये शादी करूंगा ना मैं यहाँ रहूंगा, मैं अभी इसी वक्त इलाहाबाद जा रहा हूँ। हराम खोर हो तुम लोग, सब काम चोर हो, जाओ जल्दी बुला के लाओ उसे। कहाँ जा रहा? मैं वापस इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? शादी तो तेरे अच्छे भी करेंगे, तेरे जैसे कितने सिरफिरों के दिमाग ठिकाने लगा दिए मैंने, एक कदम आगे बढ़ा के तो देख, हाथ पांव तोड़ के रख दूंगा। कान खोल कर सुन ले, ये शादी होगी और जरूर होगी, जान रख। अरे बरात आ गई, बरात आ गई, बरात आ गई। अरे दीदी, कहाँ जा रही है? दूल्हा देखने के लिए। दूल्हा?
शर्म नहीं आती? शादी से पहले दूल्हा देखेगी? दूल्हा मेरा है, चाहे पहले देखो चाहे बाद में। तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन? अच्छा बाबा, चल बैठ बैठ बैठ, पहले सच तो ले। अरे इतनी देर कैसे लगा दी? ओफो बहन जी, क्या कर रही हो? बरात आ गई, जल्दी से तैयार करो। बापू देखो ना, मौसी मेरे बाल नोच रहे। क्या करूं भैया, इसके बाल सीधे करते करते मेरे हाथ टूट गए। कुत्ते की तुम सीधी हो सकती है मगर इसके बाल नहीं होते। अरे जो कुछ करना जल्दी करो बहन जी, समय हो गया है। अरे जल्दी करो। पकड़, चल। चलो। ओम गजाननम भूत गणादि सेवतम कपित्थ जंभु फल चारु भक्षणम उमाकुलम को मंगल सूत्र पहनाइए। रुक बैठे, पहनो। लोग सच कहते हैं, शादी करना और घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को पालना आसान है लेकिन उनकी शादी करने में कमर टूट जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ, 25 साल पहले के सपने देख रहा हूँ, तुम्हारी सुहागरात की सोच रहा हूँ। हटो जी, ये क्या उम्र है वो सब बातें सोचने की? अब इलाहाबाद की कोठी में इनकी अपनी गृहस्थी बसा दे तो हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। कहाँ फंस गया यार, सड़िया शादी के लिए सुहागरात? अरे निकलो यहाँ से, आउट। ए जी, गुस्सा हो गए क्या? आधे घंटे से सासू जी समझा रही थी ऐसा करना वैसा करना, नहीं तो मैं बहुत पहले आ जाती। हाँ जाए, पहले क्या कौन सा तीर मार लेती तू? जबान अंदर कर। My life is ruined, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कर रही है? पैर दबा रही हूँ। पैर दबा रही हूँ? मेरा गला दबा था, मेरा गला दबा, जल जाके सो जाओ उधर। अच्छा, मुझे जमीन पे सोने की आदत है। जय जय संतोषी माता, जय 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 संतोषी माता, जय जय। अरे अरे तुम तो फिसल गए जी, फिसल गए। अरे ये क्या कर रही हो, इस फर्श पर तुम गोबर लगा रही हो? हाँ जी, हर शुक्रवार को पूरा घर गोबर से लिपना चाहिए नहीं तो लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। अरे तुम, आई माँ, मेरी कमर दुख रही है। क्या है? मैंने कोई गलती की क्या जी? नहीं नहीं, गलती तो मैंने की है, मैंने। और कान खोल के सुन ले, अगर फर्श पर कभी गोबर लगाए ना तो मेरे से। अबे उल्लू के पट्टे, बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? जी नहीं, वो पता नहीं, गोबर से घर लिपना शुभ होता है। तुम जैसे पढ़े लिखों की बुद्धि में ये रीति रिवाज समझ में नहीं आएंगे। बहू तू अपना काम कर, जो जी में आए कर तू, और तू इधर आंखें खोल कर चला कर। जी समझा? जी कर कर। ए जी,
ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? क्यों क्यों क्यों? अरे ये क्या है जी, उपटन तो नहीं, मुंह पे दाने निकल आए हैं क्या? दाने नहीं, तेरा सर निकला है, चल जगह से। क्यों रे, तू हर बात पे झिड़कता क्यों रहता है इसे? प्यार से नहीं समझा सकता? बहू मैं समझाती हूँ, शहर में बहुत गर्मी होती है, दौड़ धूप में चेहरा काला पड़ जाता है, इसलिए चेहरे पे क्रीम लगाते हैं। अच्छा, इसे लगाने से काले से गोरे हो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। और सुनो माँ, खूबसूरती के बारे में इसे ठीक तरह से समझा दो, क्योंकि इसे तो ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जाना है। जी, तेरा दोस्त उसे मिलने आया है। अभी आया जी। बहू तू इसकी बात का बुरा मत मानना, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं सासू जी, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानती। अच्छा। ये क्या कर रही है? क्यों जी, मैं गोरी हो गई ना? चंदो जी, लोग ये क्रीम अपनी बदसूरती छुपाने के लिए लगाते हैं, आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं, इसे लगा के आप और खूबसूरत लगने लगी हैं। फंसती क्या है? कहाँ फंसे यार? मैंने कोई गलती की क्या? और नहीं तो क्या, अपने मुंह पर तूने मेरा ये शेविंग क्रीम लगा लिया, शेविंग क्रीम, अब देखती क्या जामूद हो गया। जाना। Congratulations. मेरी तरफ से भी इस खाकसार की भी मुबारकबाद कबूल फरमाइए सरकार। किस बात की मुबारकबाद? बड़े पूछे हो यार, चुपके चुपके हाथ मार लिया, पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी? मालूम होता है इन लोगों को मेरी शादी का पता चल गया है। साहब आपको बड़े साहब बुला रहे। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनको भी मालूम पड़ गया? हिंदुस्तान में हमारी कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस हैं और उनमें जिस सेल्समैन ने सबसे ज्यादा कैसेट्स बेचे हैं उन्हें दिल्ली में गोल्ड मेडल दिया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है हमारी यूपी स्टेट से तुम्हारा नाम सिलेक्ट हुआ है। ओह ये बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उस फंक्शन में कंपनी की तरफ से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इन्वाइट किया गया है, आप अपनी पत्नी को भी ले जा सकते हैं। जी नहीं सर, मुझे एक टिकट चाहिए सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सुपर कैसेट्स की तरफ से और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुलशन कुमार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों की मेहनत और कोशिशों की वजह से आज हमारी कंपनी भारतवर्ष में सबसे सफल कंपनी हो गई है। हमारी टी सीरीज के रिकॉर्ड्स और कैसेट्स देश के कोने कोने में बजाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी इसी तरह हमारी कंपनी सबसे ऊंचे स्थान पर रहे और हम हर साल इसी तरह फंक्शन करते रहें। अब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुलशन कुमार जी आपसे दो शब्द कहेंगे। सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं गोल्ड मेडल पाने वालों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, मर्द की कामयाबी के पीछे हमेशा औरत का हाथ होता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों को इनाम मिले हैं उनकी बीवियां उन्हें गोल्ड मेडल पहनाएं। अब मिसेस और मिस्टर राकेश खन्ना से मैं दरखास्त करूंगा कि वो डाइस पर आएं। Mrs. and Mr. Subramaniam from Madras, please come to the dais. हमारे फंक्शन में हमारी कंपनी के दो नुमाइंदे मिस्टर किशन सिंह इलाहाबाद से
और मिस राधा बंबई से अकेले आए हैं। लगता है कि ये दोनों गैर शादीशुदा हैं, इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि अगर इन्हें इतराज ना हो तो ये दोनों एक दूसरे को मेडल पहनाएं। लीजिए ना। आप लीजिए। पहले आप। अरे फिर और लीजिए। बस कैरी ऑन। हेलो मिस्टर किशन। हेलो सर। होप यू आर कंफर्टेबल। यस सर। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर। आप कभी इलाहाबाद आई हैं? जी नहीं। देखने वाली जगह है, बहुत बड़ा तीर्थस्थान है वहाँ। हर 12 साल के बाद तो कुंभ का मेला लगता है। अच्छा। नदियों का संगम होता है और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन हमारे इलाहाबाद के एमपी हैं। आप कभी बंबई आए हैं? नहीं बॉम्बे नहीं, पर सुना है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, गाड़ियों की रेल पे लगी रहती है, लोग वहाँ चलते नहीं दौड़ते हैं। बंबई बताने वाली नहीं देखने वाली जगह है, आप जरूर आएगा। मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे जी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है। थैंक यू पिताजी। ये मत समझना कि ये तेरी मेहनत का फल है जी। हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी ये इसी के कदमों की बरकत है और इस मेडल के ऊपर तेरे से ज्यादा बहू का हक है। ले पहना दे इसे जी। अबे उल्लू के पट्टे सोच क्या रहा है, कहना पहना दे इसे, पहना। अबे अच्छी तरह से पहना। जी हम ले जाओ। अरे देख तो सही, किस्मत चमक रही है हमारी बहू की इस मेडल में। ये शोर नहीं है, म्यूजिकल टच है। मैं एक नई तरह का म्यूजिक कंपोज कर रहा हूँ। ये कॉम्पोजिशन नहीं, संगीत की बेइज्जती है। तबले में से ड्रम की आवाज, वायलिन में से सितार की धुन, ये कौन सा कॉम्पोजिशन हुआ भैया? अरे तुम क्या जानो, ये मॉडर्न कॉम्पोजिशन है। तबले में से तबले की आवाज, सितार में से सितार का सुर, ये तो कोई भी निकाल सकता है। अब मैं एक वीडियो फिल्म शूट करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा मॉडर्न कॉम्पोजिशन है, तुम देखना मेरा कितना नाम होगा। नाम वाम कुछ नहीं होगा, लोग अपना सर पीट लेंगे सर। हाँ तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है तो तुम अकड़ो मत, तुम सिर्फ एक सेल्स गर्ल हो और मैं एक क्रिएटर, संगीत का क्रिएटर। एक दिन वो आएगा जब मैं संगीत सम्राट बनूंगा, सारी दुनिया में मेरी जयकार होगी और तब तब तुम्हें मेरी काबिलियत का अंदाजा होगा। तुम्हारी ये पागलपन की बातें सुनती रही तो मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी, दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। क्यों? अगर तुम्हारे संगीत की आवाज बाहर गई तो पड़ोसी आकर तुम्हारी पिटाई कर देंगे। मजाक उड़ाती मेरा। कहाँ जा रहे हो? जी वो घर में बड़ी गर्मी लग रही थी तो सोचा पार्क हुआ हूँ। ठंडी हवा खाने जा रहे हो और वो भी अकेले अकेले? अबे उल्लू के पट्टे, अगर तू बीवी का बगैर इसी तरह ठंडी हवा खाता रहा तो मैं अपने पोते पोती का मुंह कब देखूंगा। जी जी के बच्चे, तू क्या समझता है कि शादी कर ली तो गंगा नहा लिया? अरे शादी के बाद ही तो परिवार शुरू होता है। तेरी नई नई शादी हुई है, बहू का कहीं बाहर लेके जा, उसका दिल बहला, उसे सिनेमा दिखा। सिनेमा?
वो आज इतवार है ना, तो हाउसफुल होगा, टिकट नहीं मिलेगा। तू बेटा है मेरा तो मैं भी तेरा बाप हूं। मुझे मालूम था कि तू बहाना करेगा, इसीलिए मैं पहले से ही दो टिकट लेकर आया हूं। ले चंदू बेटा। हाँ, आई बाबूजी। क्या है बाबूजी? चंदू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, किशन तुम्हें सिनेमा लेकर जा रहा है। सच्ची? अभी आई। घर में रहकर जो जिल्लत सह रहा हूं वो काफी नहीं है, अब घर के बाहर भी हंसी उड़ानी पड़ेगी। बाबूजी मैं आ गई। अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रही हो बिटिया। आ जाओ, 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 जाओ। जल्दी चलो, जब बायोस्कोप शुरू हो जाएगा। जाओ जाओ। क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? नहीं। अबे उल्लू के पट्टे, दूर दूर क्यों जा रहा है? हाथ में हाथ डाल के चल, चल ऐसे ऐसे। हाँ जाओ जाओ जाओ। कैसे बेशरम औरत है, कपड़े तो पहने नहीं। वो तो नंगी है। अरे ये तेरे जैसे गांव वाली नहीं है, शहर की लड़की है, मॉडर्न फैशनेबल समझी। और आजकल सब कपड़े ऐसे ही पहनते हैं। चार कदम पीछे चलो, पीछे। हाय किशन। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हाय किशन। हेलो। अरे किशन दिल्ली से कब आए? मैं कल रात को। ये लड़की कौन है? कौन लड़की? कौन लड़की? तेरे पीछे जो खड़ी है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? बोलते क्यों नहीं जी, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। ये तुम्हारी धर्म पत्नी? नमस्ते जी। जय राम जी की, जय राम जी की। कमाल है, शादी की और बुलाया तक नहीं। अरे लव मैरिज की है पट्टे ने। हाँ लगता है, लगता है। वाह वाह, इनका हेयर स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है। अरे ये तेरी तरह गांव वाली नहीं है, शहर की लड़की है, मॉडर्न फैशनेबल समझी। कब से मेरा दिमाग चाट रही है, अब तोड़ दी रही है। पिताजी को मालूम पड़ेगा तो तुझे ठीक करेंगे। पिताजी क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है? अब आएगा मजा, दरवाजा खोल, डांटेंगे तुझे। आइए पिताजी जी। क्या तोड़ दिया तूने? गधे की औलाद, ये सब क्या है? लड़कों जैसे कपड़े पहनाकर बहू को क्या बना दिया तूने? मैंने नहीं पिताजी, इससे तो वो तो सीधी सादी गांव की लड़की है, गृह लक्ष्मी, उसे सब क्या मालूम, सब तेरा काम है। नहीं पिताजी मैंने तो पास मत कर, दोबारा ऐसी हरकत की तो हड्डी पसली है कर दूंगा तेरी, समझा? बेटा कपड़े बदलो, उल्लू का पट्टा। चलो। उल्लू की पट्टी? तेरी वजह से मुझे डांट, तेरी वजह से आज मुझे डांट पड़ी। किसने बोला तेरे को ऐसे कपड़े पहनने को? बड़ी मटक रही थी हे करके। तो खड़ी उठो, उठो, कम ऑन, खड़ी उठो, खड़ी उठो। कान पकड़। एजी। चुप। एजी के बच्चे। लो किशन आ गया। यार किशन क्या बीवी चुनी है तूने? गुलाब का फूल सोचा था, गोभी का फूल निकला। सुभान अल्लाह, आंखें क्या है झील की तरह गहरी और कमर लचकती हुई फूलों की डाली। एक ही पीस है दुनिया में। मर गए यार, क्यों क्या हुआ?
मेरा बंबई ट्रांसफर हो गया है। तो उसे मरने की क्या बात है बेटा, तुझे खुश होना चाहिए, तुझे बंबई देखने को मिलेगा। तू समझता नहीं है यार, बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी को नौकरी मिली है, उसे अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। अब तू ही बता यार, मैं इस मुसीबत से निकलूं कैसे। यार किशन, क्या बीवी चुनी है तूने? गुलाब का फूल सोचा था, गोभी का फूल निकला। सुभान अल्लाह, आंखें क्या है झील की तरह गहरी, और कमर लचकती है फूलों की टाली। एक ही पीस है दुनिया में। सुन, अगर तेरी जगह कोई और चला जाए तो आई विल बी वेरी लकी यार, मैं उसके पांव पकड़ लूंगा। मगर मेरी जगह जाएगा कौन? तेरी जगह मैं चला जाता हूँ यार। तू? थैंक यू वेरी वेरी मच यार। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए दोस्त। अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी। ए, रोके रही है? रो नहीं तो और क्या करूं? तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर परदेश जा रहे हो। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए मजबूरन तुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। वापस कब आओगे? बहुत जल्दी। सच्ची? मुझे? और फिर तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। हाँ। सच्ची? किशन, टैक्सी आ गई। आया। अच्छा वाह। जीते रहो। ले। ओ, चलता हूँ। एजी, वक्त पर खाना खा लिया करना। हाँ बिल्कुल। हर इतवार को तिल की मालिश कराना मत भूलना। मैं बोलूंगा। और क्या बोलूंगा? अब जब याद आ जाए तो चिट्ठी लिख देना, मैं सब कर लूंगा। अब जाने दो नहीं तो गाड़ी छोड़ जाएगी। जल्दी करो जल्दी। अच्छा बेटा जी। हाँ देखो बेटा, बम्बई जाकर एक घर किराए पर ले लेना जी, और बाद में बहू को ले जाकर वहाँ गृहस्थी बसा लेना। अबे उल्लू के पट्टे, जाने से पहले बहू को जय राम जी तो करके जा। अच्छा चंदो, मैं चलता हूँ। जय राम जी की। अच्छा Yes? मुझे कमरा चाहिए। आपकी बुकिंग है? जी नहीं, माफ कीजिए, रूम्स खाली नहीं, होटल फुल है। देखिए मुझे एक सिंगल रूम की जरूरत है बस। ना सिंगल रूम खाली है, ना डबल रूम खाली है। मगर बेड़ो इधर नवा नवा आया है क्या? जी जब ये बोरिया बिस्तर लेके पार्क के चबूतरे पे धरना जमाया है, अरे धर्मशाला का पलंग समय रखा है क्या? क्या करता साहब, किसी होटल में जगह ही नहीं मिली इसलिए। अरे तो ऐसा बोलना, अपन जगह दिलाता है। सच? हाँ, अपन का नाम बाकेलाल है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा सब मामला फिट कर दूंगा, मगर एक रात का 100 रुपया होएगा। एक रात का 100 रुपया? ये तो बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर इधर ही बैठ, पुलिस आएंगी पकड़ के ले जाएंगी, अंदर कर देंगी, 200 रुपए धर जाएगा समझे। ओ सब ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो माल निकाल। माल 100 रुपया? हाँ। हाँ बेटू, ये रही तेरी जगह। ये झोपड़े में? ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है। अरे बेटू बाहर से गंदा है, अंदर से तो ताजमहल है। तो ये है मेरा ताजमहल। ये ले 50 रुपए, किराग बढ़िया लाया हूँ। 100 रुपए की चपत तो लग गई, लगता है बम्बई में सारे चोर उचक्के ही रहते हैं। चलो एक रात की तो बात है, कल कोई और इंतजाम कर लेंगे। पुलिस!
ये कौन से तबले की थाप थी? चोर चोर अरे आप क्या तुमसे जानती हो ये इतना बड़ा चोर है? आप इसे समझाइए मैं चोर नहीं हूँ। छोड़ मुझे भैया, ये चोर नहीं है, छोड़ देने, छोड़ देने भैया। ये मिस्टर किशन है, मैंने अच्छी तरह जानती हूँ, ये हमारे ही फर्म में काम करते हैं और ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ओहो, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी भाई साहब, जिनको गोल्ड मेडल मिलता है उनका यही हाल होता है, सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं। चुप रहो भैया। मिस्टर किशन, ये क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं आपको, आपका बंबई शहर भी बड़ा अजीब शहर है। वो हुआ ये कि मुझे तो ये सोच सोच कर हंसी आ रही है, बड़ा दिलचस्प हादसा हुआ आपके साथ। आप लोगों को हंसी आ रही है, मेरे तो अभी तक पसीने छूट रहे हैं। ये तो शुक्र है कि मैं इस घर में घुस गया, अगर कहीं और घुसा होता तो वाकई पुलिस ले जाती मुझे। हाँ। वैसे इस शहर में आपके स्वागत की शुरुआत तो बुरी नहीं थी, बाद में जरा गड़बड़ हो गई। अब जो होना था सो हो गया, अब आप जाके आराम कीजिए, कल मैं आपको ऑफिस ले चलूंगी। भैया इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। चलिए, पहले तो मैं आपको अपने संगीत की नई कंपोजिशन सुनाऊंगा। हमारे भैया का संगीत कुछ अलग ही ढंग का है। भैया आज इन पर रहम करो, आज इनमें भागने की ताकत नहीं है। गुड नाइट। अरे तुम क्या जानो संगीत के बारे में, आइए जाइए मैं आपको सुनाऊंगा। आइए, आप वाकई संगीतकार? बहुत बड़ा संगीतकार हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाय। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मिस्टर किशन है, ये इलाहाबाद से ट्रांसफर होकर हमारे ऑफिस में आए हैं। अच्छा अच्छा, आप ही मिस्टर किशन हैं? दीज आर माय ट्रांसपोर्टर्स। बैठिए। थैंक यू सर। देखिए आप आज ही अपना चार्ज ले लीजिए। राइट सर। ओ भाई बनकर संगीत की इतनी बेइज्जती मत कर। संगीत सम्राट को तुम संगीत सिखाओगे? सम्राट जी, सारे सुर आपस में मिलकर एक दूसरे पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। लाठी चार्ज नहीं, ये राग मालकौंस है, तीन ताल में, और इसे बांसुरी कहते हैं। अच्छा, कभी देखिए, बजाइए। किशन नाम मेरा है। खाली नाम किशन होने से आदमी को बांसुरी बजानी नहीं आ जाती, उसके लिए सुरताल का भी ज्ञान होना चाहिए। अजी मुझे मौका दीजिए, शायद मैं। हाँ बजाओ। ठीक से पकड़नी भी नहीं आती, बजाओगे क्या खाक? अभी सुनिए। वाह, मैं तो हैरान हो गई थी कि भैया के कमरे से इतने सुरीले सुर कैसे सुनाई पड़ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। जय गुरुजी। अरे ये क्या कर रहा है? गुरुजी, गुरुजी आप मुझे मिल गए हैं, अब मैं संगीत की दुनिया में तहलका मचा दूंगा। अच्छा, हाँ तो ये लो फिर। हाँ, दरअसल मैं ये कहने आया था कि मुझे रहने के लिए छोटी सी जगह मिल गई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल ही चला जाऊंगा। क्या चला जाऊंगा? यहाँ कोई तकलीफ है आपको? राधा, तुमने कोई तकलीफ दी इन्हें? नहीं तो शादी ने हमारा खाना पसंद नहीं आया। हाँ, चाय मिली होगी तो ठंडी, ठंडा मिला होगा तो गरम। या फिर हम लोग इनके बराबरी के नहीं है जो यहाँ से जाना चाहते। अरे नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, उल्टा मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है। अब मैं आप पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। तो मत बनिए बोझ, जो किराया आप वहाँ देंगे वही हमें दे दीजिए। हाँ करेक्ट, हमारे बुजुर्ग इतना बड़ा मकान बनाकर गए हैं, बस हम दोनों यहाँ रहते हैं, इतने सारे कमरे खाली पड़े हैं, आप भी यहाँ रह जाइए ना, जब आपकी फैमिली आ जाए तब चले जाइएगा। फैमिली? तब तो लगता है मुझे हमेशा यही रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आप भी हमारी तरह ही हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। भाई वाह, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। हा।
आप अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। होता है कभी कभी, नींद नहीं आती। कभी कभी खामोशी बड़ी अजीब लगती है। खामोशी एक जबान है, एक सवाल है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब समझ में नहीं आते। सोचने से हर सवाल का जवाब मिल जाता है, ये तो अपनी अपनी हिम्मत पर है। नहीं, ये तो अपनी अपनी किस्मत पर है। कहना चाहता है लेकिन कहता नहीं है। मैं पहले अपने दिल की बात कह दूं, मैं भला क्यों कहूं? कुछ कहना भी चाहूं तो आवाज गले तक ही रह जाती है। कहूं भी तो क्या कहूं, कैसे कहूं? तुम मिली लेकिन बहुत देर से मिली। राधा, दादा, राधा। सिस्टर, माय डियर सिस्टर, गुड न्यूज, हैप्पी डे। क्या हुआ भाई, उछल क्यों रहे हो? बात तो बताओ। पहले मुंह मीठा करो और आप भी मुंह मीठा करो। अरे हुआ क्या, ये तो बता। अब सुनिए, मुझे एक वीडियो फिल्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट तो टेबल पे है। फैंटास्टिक। दैट्स गुड। लेकिन उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। मदद? हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? आप दोनों चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिल गया है, हाँ। लेकिन आर्टिस्ट नहीं मिल रहे। अब कुछ लोग देखे भी ना सूरत ना शक्ल, भाड़ में से निकल और पैसा मांगते हैं मुंह फाड़ कर। मुझे? आप दोनों तो घर के ही हैं, आप मेरी फिल्म के हीरो बन जाइए। क्या? और तुम हीरोइन? क्या मतलब? पागल है क्या? नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं प्रोड्यूसर, मैं डायरेक्टर, सब संभालूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन हमें सब नहीं आता। ये देखिए देखिए, अगर आप हाँ नहीं करेंगे तो मुझे 1,00,000 का नुकसान हो जाएगा। सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग लवली शैंपेन। बस यार, मैंने कभी पी नहीं यार। अरे पियो पियो, कुछ नहीं होता। पियो पियो, चीयर्स चीयर्स। ये तो शुरुआत है गुरु, अब नुस्खा हाथ में आ गया है, देखना मैं कहां से कहां पहुंचता हूं। भैया आप लोग बैठ के सेलिब्रेट कीजिए, मैं जरा फ्रेश होके आती हूं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। अरे आप पीजिए ना, पीजिए पीजिए। गुरु तुमने मेरी जिंदगी बना दी। गुरु तुम्हारी वजह से मैंने 1,00,000 रुपए कमा लिए। तुम्हारे जैसे कितने आते हैं और मेरे तलवे चाट के जाते हैं। गुड नाइट, जिंदगी बनाया मेरी। सेलिब्रेशन खत्म हो गया? राधा, राधा है, I love you राधा, तुम ही मेरे सपनों की तस्वीर हो।
मेरा रोम रोम तुम्हें पाने के लिए बेचैन है राधा। आज मेरी दीवानगी नहीं रुकेगी, मेरी जिंदगी का हर रास्ता तुम्हारी तरफ जा रहा है राधा। मैं तो कब से तुम्हारी हो चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारे मुझे सुनने का इंतजार था। गुड मॉर्निंग। हाय, आई एम सॉरी राधा। क्यों? मुझसे रात बहुत बड़ी गलती हो गई। यूं कहो हमसे गलती हो गई। जिंदगी में कभी कभी कदम बहक जाते हैं, बहकर फिर संभलना भी पड़ता है। हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, और हर प्यार की मंजिल एक ही होती है, शादी। क्या हुआ, चुप क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अजीब आदमी हो, हर बात में शर्माते हो। आई लव यू कहने में इतने दिन लगा दिए, पता नहीं शादी करने में कितने दिन लगाओगे। अब तो मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो चुके हो। बगैर शादी के अब एक दिन मेरा ना अच्छा नहीं। हम कल ही शादी कर लेंगे। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न इस्तारक्षो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। हरि ओम यानि कानि जपापानि प्रदक्षिणायां पदे पदे सासु जी। हाँ? ये घास बहुत बड़ी हो गई है, इसको काट के गाय को खिलाना चाहिए। हाँ हाँ। अरे पोस्टमैन, पोस्टमैन। बहू, तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी रहती है, घर की कोई चिंता ही नहीं। अरे भाई क्या हुआ? चंदो पहले सारा दिन चहकती रहती थी, पूरे घर में फुदकती रहती थी। जब से किशन गया है एकदम गुमसुम सी हो गई है, रोज उसकी चिट्ठी की राह देखती है। आज भी जब चिट्ठी नहीं आई तो कमरे में बैठी हुई आंसू बहा रही है। क्या हो गया है किशन को, एक चिट्ठी तक नहीं डाली उसने। बंबई की हवा लग गई है उस उल्लू के पट्टे को। मैं भी उसकी चौकड़ी भुला दूंगा। हरामखोर अपने आप को समझता क्या है, आखिर कर क्या रहा है वहां? क्या सोच रहे हो? सोच रहा था हम एक दूसरे के इतने पास आ गए फिर भी हमारे बीच की दूरी कम नहीं हुई। अब हाँ ये ठीक है। किशन, तुम उससे शादी करके खुश हो ना? ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता रहा था, जवाब महसूस किया जाता है। तुम क्या महसूस करती हो? मेरी जिंदगी में बस एक ही कमी थी, उसे तुमने पूरा कर दिया। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी किशन। आई लव यू। ओके, आई विल सी टू दैट। ओके मैडम, किशन साहब का खत है, पोस्टमैन अभी देकर गया। अच्छा। फ्रॉम भीम सिंह, मकान नंबर 12, कटरा, इलाहाबाद। हेलो, कैसे हो? शर्मा जी आए? नहीं आए। क्या हुआ, मोटरसाइकिल ठीक हो गई? अरे हाँ ठीक हो गई, गराज वाला कह रहा था शाम को आके ले जाना।
शर्मा जी भी नहीं, 10 बज गए। किशन, ये भीम सिंह कौन है? भीम सिंह क्यों, क्या बात है? ये उनका खत है। तुमने ये खत पढ़ा? दूसरों का खत पढ़ना तहजीब के खिलाफ है। अरे हाँ, ये तो है। गधे की औलाद, बंबई गया तो वहीं का हो गया? हर हफ्ते चिट्ठी भेजकर हमें बेवकूफ बना रहा है उल्लू के पट्टे। बीवी को ले जाते हुए दम निकलता है? आंखें खोल के चिट्ठी पढ़ ले। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर तू अपनी बीवी को लेने नहीं आया तो दूसरे हफ्ते मैं तेरी बीवी को लेकर बंबई आ रहा हूँ। तेरा बाप। Oh my God. ये लो। बाबूजी, देखो 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 देखो, उनकी चिट्ठी आई है, जल्दी पढ़ो ना, जल्दी। अरे कृष्ण की चिट्ठी देखकर तू इतना उछल रही है? अगर वो तुझे कहीं साथ बंबई ले गया तब तो तू हमारे हाथ नहीं लगेगी। हाँ जल्दी पढ़ो ना। अरे पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ। और क्या लिखा होगा? यही ना कि अभी तक घर नहीं मिला, घर मिलते ही आऊंगा और चंदो को लेकर जाऊंगा। देखा, बिल्कुल वही लिखा है जो मैंने कहा था। जन्म का धोखेबाज है ये, जानती है? अपनी अम्मा को धोखा देकर 8 महीने में पैदा हो गया था। लेकिन इस बार मैं भी ऐसी गोली दागूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा उल्लू के पट्टे को। मैं भी बाप हूं उसका। साहब, आपका टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? मदर सीरियस स्टार्ट इमीडिएट। माँ, 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 वागे वागे। आओ बेटा। माँ, माँ तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारी बीमारी का झूठा तार भेजकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? ये बात जाके अपने बाप से पूछ। पिताजी, मुझे दफ्तर से एक दिन की भी छुट्टी मिलना मुश्किल है, फिर झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? अबे उल्लू के पट्टे, तू वहां और तेरी बीवी यहाँ, ये कितने दिन चलेगा? लेकिन पिताजी, बंबई में मकान मिलता ही नहीं है, एक एक कमरे में 10-10 आदमी रहते हैं। मकान नहीं मिलता ना? नहीं, तो छोड़ दे वो नौकरी और चला आ यहाँ, मैं तुझे जिंदगी भर खिला सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दूं मैं? अबे जा, बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। ए, कान खोल कर सुन ले, अगर तू बंबई जाएगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाएगा, नहीं तो यहाँ टांग तोड़कर तुझे कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? देख बहू, तू पहली बार बंबई जा रही है, सुना है बहुत बड़ा शहर है, संभल के रहना। तुम चिंता मत करो सासू जी। और सुन, पति को पल्लू से बांध के रखना, तभी तू उसे अपने बस में रख सकेगी। हाँ, अरे भाई गाड़ी का टाइम हो गया है, जल्दी करो। हाँ हाँ आ रही हूँ। पति को पल्लू से बांध के रखना। ये क्या कर रही है? सासू जी ने कहा था कि पति को पल्लू से बांध के रखना। क्या मुसीबत, पगली कहीं की। अखंड सौभाग्यवती रहो। अरे वो क्यों रही है? अपने घर जा रही है, हंसी खुशी जा। तुम भी बंबई आना बाबूजी। हाँ बेटे, जरूर आऊंगा। देखो, बंबई पहुंचते ही तार दे देना। जी। और सुन, अगर बहू को किसी किस्म की तकलीफ दी तो, समझ गया ना? एजी, चूड़ा खाओगे? करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा को क्या बताऊंगा मैं? ऐसा करता हूं,
इसे कुछ दिन के लिए किसी अच्छे होटल में या किराए के मकान में ठहरा देता हूँ। बाद में इसे इसके बाप के घर छोड़ाऊंगा। अरे इसमें कपड़े लाइए, पत्थर भर के लाइए। ए कुली, ए कुली। चलो चल दो काम कर। तू वो बेंच देख रही है, वहाँ जाके बैठ जा प्लीज। क्यों? अरे बाबा ये शहर है, गांव नहीं है। यहाँ सवारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। टैक्सी की बहुत बड़ी लाइन होती है और लाइन में वेट करना पड़ता है। मैं टैक्सी ढूंढता हूँ, तू काम कर, चुपचाप वहाँ बैठी रहे और हिलना मत जब तक मैं नहीं आऊँ। प्लीज मैं नहीं बैठूंगी। प्लीज अपना बैग। जल्दी आना। अरे राधा किशन। तुम यहाँ कैसे? मैं तो रोज आती हूँ, तुम तो अचानक चले गए, मिले भी नहीं। बस इतना लिख गए कि 3 दिन के बाद आ रहा हूँ। उस दिन से आज तक ट्रेन तो लेट हो गई, मगर मैं लेट नहीं हुई। अब पता चला कि इंतजार की घड़ियां क्या होती हैं। अच्छा। इतना प्यार करने वाली पत्नी नहीं मिलेगी तुम्हें। मालूम है। चलो। तुम बहुत थके हुए दिखाई देते हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे ओ क्या हुआ? वो बैग भूल आया। कौन सा बैग? किसी दोस्त ने दिया था, कहीं पहुंचाना था। उसके अंदर बहुत जरूरी कागजात थे। मुझे लगता शायद वो स्टेशन पे रह गया होगा। मैं अभी लेकर आया। अब भी गया और अभी आया। अरे किशन, अब जाने से क्या फायदा? अब तक तो कोई उसे उठा ले गया होगा। अरे नहीं नहीं, उसे कोई नहीं हाथ लगाएगा। मैं अभी आया ना। हाँ? ये क्या चेहरे पे हवाइयां परेशानियां, बड़े बेसुरे चले आ रहे हो? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या हुआ, सुबह से शाम तक बैग ही ढूंढते फिरे, मिला? कैसा बैग? जल्दी तो इनके सर पर सवार रहती है, एक छोटा सा बैग था, स्टेशन पर ही भूल आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा? अब छोड़ो, जो होना था सो हो गया। नो टेंशन प्लीज, मिलना है तो मिल जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मैं आपको अभी फ्रेश के देता हूँ। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? दो कॉफी ले आओ गर्मा गर्म। अरे इतना चमक क्यों रहे हो? आप दोनों की पहचान नहीं करवाई ना, इसलिए। तो ये है अपना न्यू म्यूजिकल टच। स्टेशन पे तुमने अपना बैग खोया और इस बेचारी ने अपना पति। और क्या नाम है तुम्हारा? चंदो। चंदो, ये है मिस्टर किशन, मेरी बहन के पति देवता। अब पूछोगे मिली कैसे? मैं अपने दोस्त को ट्रेन में बिठाकर आ रहा था कि क्या देखता हूँ, एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं भीड़ को चीरता हूँ वहां पहुंचा और क्या देखा कि गहनों से लदी हुई, अच्छे कपड़े पहने हुए ये धाड़े मार मार कर रो रही है। मैंने सोचा कि बंबई शहर है, कोई इसे बेवकूफ बना के ले ना जाए, तो मैंने इसे पूछा, क्यों भाई तू कौन है, क्यों रो रही है? तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया इसने, बल्कि और जोर जोर से लगी रोने। मुझे इस पे तरस आ गया और मैं इसे यहाँ ले आया। किसी बेईमान ने इसे इलाहाबाद में शादी की, बंबई लेकर आया और स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। ये तो अच्छा हुआ कि दीपक भैया ने इसे देख लिया, नहीं तो परदेश में बेचारे पर क्या क्या मुसीबतें आ जाती।
नहीं था। नहीं नहीं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे मालूम है मैं बदसूरत हूँ। वो सुंदर है, तुम्हारे तुम्हारे काबिल है। मैं तुम्हें लेने स्टेशन गया था, तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मिली नहीं। मैं ये कह रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी के घर चली जाओ। कैसे चली जाऊं? मेरी शादी की उन्हें कितनी चिंता थी, मेरे ब्याह के बाद ही तो उन्हें सुख मिला। अब अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। और अपने बाबूजी को तो तुम जानते ही हो, उन्हें मालूम पड़ गया तो क्या होगा? तो मैं तुम्हारे लिए एक मकान ले लेता हूँ और वहां तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं जी, नहीं, मुझे अपने से अलग मत करो। इतना तो अधिकार दे दो कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। वैसे भी इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है। मैं इस घर का सारा काम कर दिया करूंगी, तुम्हारी सेवा भी कर सकूंगी, तुम्हें देखती रहूंगी। इतने से भी मेरी झोली में नहीं डालोगे? पर चंदन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ। कर रही हो? हाँ, आज शुक्रवार है ना, मैं हर शुक्रवार को पूजा करती हूँ। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? संभल तो गई हूँ, धीरे धीरे और संभल जाऊंगी। हाय राम, बीबी जी तुम नहा कर आई हो, सिंदूर नहीं लगाया तुमने? मैं लगाती हूँ। अरे रे, इतना लंबा सिंदूर? हाँ, बड़े बूढ़ों का कहना है सिंदूर जितना लंबा होगा ना, पति की उम्र भी उतनी लंबी होगी। हाँ हाँ। ए बीबी जी, ये क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। तुम काहे को बना रही हो? मैं बनाती हूँ। अच्छा, जल्दी से ले आओ, किशन को बाहर जाना है। हाय राम, बीबी जी तुम अपने पति का नाम ले रही हो? अरे पगली, आजकल तो सभी लेते हैं। किशन, किशन उठो। अरे उठो ना,
क्या यार तुम भी ये सिंदूर लगा है या लक्ष्मण रेखा खींची है? ये लक्ष्मण रेखा चंदो ने खींची है। कह रही थी जितना लंबा सिंदूर होता है पति की उम्र भी उतनी लंबी होती है। मुझे तुम्हारी लंबी उम्र के सिवाय और क्या चाहिए? अरे रे आओ चंदू। मुझे और क्या चाहिए? अरे माली तू बहुत निकम्मा हो गया है। तुझे खाद लाने के लिए बोला था लेकर क्यों नहीं आया? अरे भीमा ए! अबे और रामू के बच्चे अरे तू कहां से आ गया? रेल से आ गया। आजा 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 चलो आजा 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 ला ये ले कद्दू पकड़। अरे कद्दू तो अपने पेट के साइज का उठा लाया है। ये भी ले रख दे इधर। ले फली बैठ जा। अभी बोल इधर का रास्ता कैसे भूल गया तू? अरे बस तेरी और बिटिया की याद आ गई सो चले आए। बिटिया की याद आ गई? बिटिया को मिलने के लिए तो अभी 500 कोस जाना पड़ेगा। क्यों? वो अभी बंबई में रहती है। मेरे बेटे की तब्दीली हो गई है वहाँ। अच्छा किशन बिटिया को अपने साथ ले गया है? अबे घोंचू राम पति पत्नी को साथ नहीं लेकर जाएगा तो क्या तुझे मुझे लेकर जाएगा? पर रामलाल आजकल के लौंडे बहुत फुदकते हैं। पांव में बेड़ियां डाल दो तो गिरफ्तार होकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोनों बहुत मजे कर रहे हैं वहाँ। ए भीम ये तो तूने बहुत बढ़िया खबर सुनाई है। अरे ऐसा जी करता है कि उनसे जल्दी मिल लें। ठीक है मिल लेंगे लेकिन अभी तो जरा गर्मा गर्म भोजन करते हैं चटपटा। ना ना देखो बिटिया के घर का पानी भी नहीं पिएंगे हम। हाँ लाल पानी तो पिएगा। अरे राम राम क्या बात करता है। ठीक है तू खाने का मेरे को 1 रुपया दे देना। ठीक है तू नहीं सुधरने वाला। गधे का गधा ही रहेगा। और गधे का दोस्त गधा। अरे ये क्या पल्लू से जूते साफ कर रही हो? साड़ी गंदी हो जाएगी चंदो। नहीं नहीं और पवित्र हो जाएगी। मालिक भी तो भगवान का रूप होते हैं। तेरे विचार भी अजीब है चंदो। तू बहुत भोली है रे। आज तो चंदो के पति को ढूंढ के दम लूंगा। साला पाताल में भी होगा ना खोद के निकाल लूंगा। गटागन गोर मोर मचा वेशोर मेरी सजनी आजा आजा ओ मेरी सजनी। ये गांव वाला लगता है। ये होगा चंदो का पति। मेरी सजनी आजा तू आजा। ए क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है रामप्रसाद। लोग कहते हैं प्यार से रामू। और तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? मैं अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता। अरे बोलना चंदू। चंदो मिल गया साला। ए, किसका साला? यहाँ बैठा आंख मार मार के लड़कियों को पटा रहा है। चल पुलिस स्टेशन। ए, पुलिस कायको। कायको अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ मर्डर कैसे कर रहा है? चल चल। नहीं मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा वो मूंगफली खरीदने गई है। मूंगफली खरीदने गई है? जरा बुलाओ उसको। चंदू अबे चंदो मेरी लाज बचाओ। मेरी लाज बचाओ। अरे छोड़ो मुझे मेरी लाज बचाओ। क्या हुआ? क्या हो रहा है? मेरी धोती खोल रहा है और ये आदमी बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ के भाग आया हूँ। अच्छा पकड़ो इसे। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। मेरे पति को ऐसा बुरा आदमी समझता है? माफ करना राम प्रसाद जी। बहन जी आपका नाम चंदो है? हाँ चंदो है। पक्का? बिल्कुल पक्का। गलती होगी भाई साहब मैं चलता हूँ। अरे कहाँ भाग रहे हो रसगुल्ले? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है जी। अरे चंदो निकाल तेरी चप्पल और घन चक्कर कर दी सारी। मारो इसे मारो। आप लोग यहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं और मेरी जान जा रही है। रोज सुबह से लेकर शाम तक स्टेशन पर पार्क में सड़कों पर चंदो के पति को ढूंढता फिर रहा हूँ। अरे आज तो एक जगह बाल बाल बच गया वरना जूते खाने पड़ते। कोलंबस को अमेरिका मिल गया लेकिन मुझे अभी तक चंदो का पति नहीं मिला। चंदो कहाँ जा रही हो? हमारे पास बैठो बैठो ना जी। अरे अब तो तुम भी इस घर की हो गई हो। तुम्हारा नाम राशन कार्ड में भी लिखवा दिया है। बैठो 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 ना।
तो श्रीमती जी अपने किसी रिश्तेदार का पता तो बताइए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरा पति है। तो चलो उसी की शक्ल सूरत बता दो। क्या बताऊं, भगवान जैसी है। तो ऐसा करते हैं कि जितने भगवान है सबकी तस्वीर अखबार में छपवा देते हैं। तुम जिसे भगवान समझती हो उसने तुम्हें धोखा दिया, भरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। बीपी जी, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मेरी तलाश की हो, मगर मेरी फूटी किस्मत मैं उनको नहीं मिल सकी। चंदू, तू बहुत भोली है, हालात से झट से समझौता कर लेती है। तेरे सीने में जुदाई के दहकते हुए अंगारों को मैं देख सकती हूँ। एक औरत होने के नाते तेरा दर्द समझ सकती हूँ। किशन कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद किया गए, मेरा सुख चैन सब साथ ले गए। मेरा वक्त तो गुजर गया, लेकिन तेरे पास तो इंतजार का सहारा भी नहीं है। पति का सहारा छूट जाए तो शरीर से आत्मा निकल जाती है। वो आदमी कितना पत्थर दिल है, कितना बेरहम है। बीबी जी, अरे फूल की पत्ती से तो पत्थर का जिगर भी कट जाता है, मगर तेरा पति किस चीज का बना हुआ है? तेरी मासूमियत और भोलेपन का कुछ भी असर नहीं हुआ उस पर? कितना नीच, कमीना, जलील इंसान है वो। बीबी जी, बस करो, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। मेरा पति भला है, बुरा है, जैसा भी है मेरा पति है। चाहे वो मुझसे दूर हो, फिर भी वो मेरे पास है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं विनती करती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सामने मेरे पति को कुछ मत कहो। मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती। चंदो, अरे ओ चंदो, क्या है बीबी जी? क्या बात है, नाश्ता नहीं दोगी आज? आज नाश्ता, खाना, पानी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें नहीं मालूम आज करवा चौथ है? करवा चौथ? हाय राम, बीबी जी ये व्रत साल में एक बार आता है। पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत हर पत्नी को रखना पड़ता है। मैंने तो नहीं रखा अभी तक, और मुझे मालूम भी नहीं ये व्रत कैसे रखा जाता है। मुझे मालूम है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, आओ मेरे साथ। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। किशन चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। और कहाँ? बता दी, चलो। अरे अरे कहाँ जा रही हो? चांदी गया। अरे बाबा कहाँ ले आई हो छत पर तो मुझे? आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तुमने? हाँ, चंदो ने रखवाया है। अब बताओ चंदो, क्या करना है? ये लो, अब चांद को अर्घ दो इस तरह। अब क्या करना है? अब चलनी में से चांद को देखो, अब पति को देखो, अब दिए को पीछे फेंक दो। पीछे मुड़कर मत देखना, अब तुम करो। अब क्या करना है? अब पल्लू सर पर लो, आओ पति के पांव छुओ। अब कहो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे आशीर्वाद दो। आज मेरे मन को अजीब सी शांति मिली है चंदू, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। ना मेरी माँ है, ना बहन, आज मैं तुम्हें दोनों रूप देख रही हूँ।
तुम्हें कौन सा रूप दूं, माँ का या बहन का? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, आज से तुम मेरी बहन हो। चांद, चांद, चांद है? अरे भाई मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मुझे? मेरा नाम चांद नहीं है, चंदो है। अच्छा बाबा चंदो, चंदो तुम इतना काम करते करते देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हें यहाँ ना ही लाता तो अच्छा था। जब देखो बस काम काम काम। अरे यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है, बटन दबाया सब हो जाता है। तुमको यह क्या काम है? जब भी कोई नया काम शुरू करना हो तो फूलों को अच्छा शगुन समझा जाता है। अच्छा तुम कौन सा काम शुरू कर रहे हो? इश्क की वादी में पहला कदम रखने जा रहा हूँ। पहाड़ पर जाओगे? बहुत ऊपर मत जाना, गिर पड़ोगे। बात नहीं बनी, लगता टाइम लगेगा। क्या बोले? नहीं नहीं वो कुछ नहीं, वो बात ये है कि जब मैं आ रहा था ना तो एक बेचारी फूल वाली ये फूल बेच रही थी तो मुझे तुम्हारी चुटिया याद आ गई। क्या चुटिया है तुम्हारी, पांच हाथ की लड़ी ले आऊं तुम्हारे लिए, दो तीन बार लपेट लेना और भी खूबसूरत हो जाएगी। लो। नहीं। अरे ले लो। नहीं, फूल तो औरत का श्रृंगार होते हैं। लो। नहीं। अरे अरे ले लो, कम ऑन, डोंट फील शाय, बहुत मुश्किल से लाया हूँ तुम्हारे लिए। लो लो, रखो रखो रखो। अरे तुम ये किचन में क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ बताता हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ मैं बताता हूँ बताता हूँ। म्यूजिकल टच, किसी से कहना मत, मैं इसका लाइसेंस अप्लाई कर रहा था। क्या बकता, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आपको क्यों तकलीफ हो रही है साहब, ये हम दोनों का प्राइवेट मामला है। देखो दीपक, ऐसी जलील हरकत मत करो, शरीफों के घरों में ऐसा नहीं होता। शरीफों के घरों में क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले तांग झांक, फिर नजरों का टकराव, फिर प्यार का तूफान और फिर शादी। अब शादी के बच्चे जूते पड़ेंगे मुंह पे। भी मैं हार समझ के पहन लूंगा। और एक बात और, शादी का सारा इंतजाम तो आपको ही करना है क्योंकि मैं तो दूल्हा बना रहूंगा। फिर आपको बारात के साथ भी चलना है, बैंड बाजे के साथ। क्यों, फूल बहुत पसंद है तुझे? खबरदार, जो किसी से कोई चीज ली तो याद रखना, जान से मार डालूंगा तुझे। लो, मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी गुस्सा करते हैं। मोगरा दो। चंदो, वो चंदो, तुझको फूल पसंद है ना? नहीं नहीं बिल्कुल पसंद नहीं, मैं फूल कभी नहीं लगाऊंगी। मैं जानता हूं तुझको फूल पसंद है, ये ले तेरे लाया हूं। मेरे लिए? मेरे लिए? और देख किसी को बोलना मत। हाँ गुड। हाय डार्लिंग। आ गए आप, भूल गए क्या शादी पर जाना है? कोई बात नहीं, उनकी शादी पर ना सही उनके बच्चे के बर्थडे पर जरूर पहुंच जाएंगे। मैं तो वक्त पे आ जाता, वो तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारे लिए फूल लाने थे ना। एक मिनट में तैयार हो गया। बेचारी चंदो को इस घर में पूछने वाला कोई नहीं है। चंदो, ओ चंदो, बुलाया बीबी जी? हाँ जरा घूम जा। अरे तेरे तो फूल लगे हुए हैं, किसने दिए? मालिक ने दिए, वो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए दिए थे, उनमें से थोड़े से लगा लिए। तो ठीक है, अपने भगवान से बोल कि तेरे पति को तुझसे मिलवा दें। और हाँ सुन, हम लोग एक शादी पर जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। नहीं बीबी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे घर में बैठे रहने से तुझे तेरा पति मिल जाएगा, कहीं आएगी जाएगी तो हो सकता है तुझे तेरा पति नजर आ जाए। नहीं, लोग देखेंगे हंसेंगे, मुझे शर्म आती है। समझ गई, मैं तेरी शर्म को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैं तुझे कल ही ब्यूटी पार्लर ले जाऊंगी। कहाँ? ब्यूटी पार्लर। राधा, I have been to London, Paris, Rome, but I haven't seen this type of hairstyle. It's very strange. It's an Indian village style. Very funny. It's her own hair or false? क्या 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 बोली है मटकी? ये पूछ रही है तुम्हारे असली बाल हैं या नकली? अरे जा जा, मेरे अपने बाल हैं, तू क्या मेरे बाल ठीक करेगी?
तू तो खुद परकती है, मर्दों जैसी शक्ल बनाई हुई, होठों पे लाल रंग पोता हुआ। ना रे बाबा ना, मैं इससे बाल ठीक नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहते चंदू, लीना तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक कर देगी। चलो लीना। ओके। चंदो, थोड़ी देर रुक जाओ। चकाचक चांद रह गए ना, ये है हमारा म्यूजिकल टच। चौधरी का चांद हमारे घर में उतर आया है। दबी हुई चिंगारी शोला बन गई है जीरा जी, शोला। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, आज तो मैं अपनी शादी की बात पक्की करके रहूंगा। चंदो, बोलो कैसे हो तुम? अरे परदेश से आ रहे हो क्या, जो पूछ रहे हो कैसी हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मिली थी। बड़े घोचू हो तुम। घोचू नहीं, घोचू नहीं, मैं दीवाना हूँ, दीवाना। आहा, क्या जुल्फे हैं, क्या खुशबू आ रही है। दूर हटो, पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? आए हाय हाय, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे कि तुम मुझसे पूछो कि क्या चाहिए मुझे। चंदो, मेरे दिन कांटों पर और रातें अंगारों में कट रही हैं। चंदो, अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। चंदो, मुझे मेरी जिंदगी दे दो, मुझसे शादी कर लो। गीता जी, आपको तो मालूम है कि मैं कितना बड़ा फनकार हूँ, मेरा भविष्य कितना शानदार है। इसकी तकदीर समझ जाए कि आप इसको समझाओ कि मुझसे शादी कर ले। उसने थप्पड़ मारा, समझ में आया। आपने थप्पड़ मारा, समझ में नहीं आया। चंदो, भगवान ऐसा बुरा दिन किसी औरत को ना दिखाए कि उसके पति के सामने एक पराया मर्द उससे शादी करने को कहे। कि उसके पति के सामने एक पराया मर्द उससे शादी करने को कहे, एक पराया मर्द उससे शादी करने को कहे, एक पराया मर्द उससे शादी करने को कहे। किशन के दफ्तर वालों ने पता तो यही बताया था। जी, चंदो नाम की लड़की यही रहती है क्या? अरे वो प्रतापगढ़ की रहने वाली है, वहीं उसकी शादी हुई रही, उसका नाम चंदो है। हमारे कृष्ण के साथ ब्याह ही है, उसी का नाम चंदो है। बाबूजी, मैं ही चंदू हूँ। अरे ये काहुलिया बना ली है। चंदो, तू इधर घूम तो। तेरी वो जलेबी जैसी चुटिया का क्या हुआ? सीधी हो गई। अरे भीम भाई, भीम देख तो अपनी बिटिया कितनी खूबसूरत हो गई है। अरे श्री गणेश तो बहुत बढ़िया हुआ। आइए आइए, चलो चलो, मैं उठा लूंगी। आइए बाबूजी, घर में सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक है। और बाबा, ए भीम, अरे ने 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 बाबा, ये देख कालीन, और टेलीफोन, वो सोने चांदी का, और ये तख्त बैठने के लिए कितना बढ़िया बढ़िया, दो तीन चार, और ये बिजली का हंडा, जब जलता होगा तो ऐसे लगता होगा जैसे सूरज चमक उठा। ए, हम सपना तो नहीं देख रहे? अरे चंदो, ये हमारे उल्लू के पट्टे कृष्ण का ही घर है ना? हाँ बाबूजी। इतना अच्छा घर बनाने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया? कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? अबे ये हमारी बेटी का भाग्य है। अबे ओ,
ये हमारी बहू के चरणों का प्रताप है। बात तो एक ही हुई। एक ही कैसे हुई, बात दो हुई। अच्छा दो हुई, चल। हाँ अरे चंदो, ये गधे का बच्चा किशन तेरे साथ ठीक ठाक तो है ना? हाँ बाबूजी। अरे ये सब ठाक बात देखने के बाद क्या उल्लू बने का सवाल पूछता है? अरे हमारे दामाद ने हमारी बिटिया को महारानी बना रखा है। अरे बेटा तो मेरा है। अरे तो होगा, चलो बेटिया हमको मकान दिखाओ ऊपर, चलो। हाँ चलो बेटी आइए। भाई वाह वाह वाह, क्या कमरा है, क्या चीजें हैं, ठंडी की मशीन भी है। वाह बेटा मान गए। और क्या गुदगुदा पलंग है, हम तो यहीं सोएंगे बस। ये इनके सोने का पलंग है। अबे घनचक्कर, ये बच्चों के सोने का कमरा है। तो चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। चलो बिटिया। चलो आइए। अरे वाह वाह वाह, ये कमरा भी बहुत बड़ा है। क्या कहने क्या कहने, ये मेहमानों का कमरा है। आप लोग यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं बेटा, खाना पीना बाद में होगा, पहले उस किशन उल्लू के पट्टे को बोल के मुझसे आकर फौरन मिले। मैं तो बताना ही भूल गई, वो तो बम्बई से बाहर गए हैं, लौटने में 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं। हाँ। तब तक हम आराम करेंगे, बम्बई देखेंगे। क्यों भाई रामलाल? हाँ ठीक है, बैठो। आजा बैठो, बैठो बैठ बैठ। अच्छा बाबू, मैं नीचे जाकर आती हूँ। हाँ जा दो, मैं दरवाजा बंद करके जाती हूँ। हाँ कर दो कर दो कर दो। हाँ कर दो। ये भीम, अरे ये देखो मेहमानन के मनोरंजन के वास्ते ये साधन जुटाए हैं बजाय गाय का। अरे ये किसके हैं? पता नहीं दीदी, ये जूते चप्पल किसके हैं? कोई आया है क्या? वो गांव से कुछ लोग आए हैं, उनके घर में शादी है, वो दीपक जी को फिल्म खींचने को लेने आए हैं। मैंने उन्हें दीपक जी के कमरे में बिठा दिया है। अच्छा भैया आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। सुनो पिताजी और बाबूजी दोनों आ गए हैं। क्या? हाँ मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो सोच रहे हैं कि हमारा घर है। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम 2-4 दिन के लिए बम्बई से बाहर चले गए हो, तुम लोग उनके सामने मत पड़ना। मैं कुछ भी करके उन्हें सुबह से पहले यहाँ से चलता कर दूंगी। मगर तुम घबराओ मत, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ ना जाओ। दारी 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 दारी। मेरे कमरे में संगीत। चंदो बुगारो। ये कहां से टपक पड़े मेरे कमरे में? ए भाई कौन है तुम लोग? अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? माथे पे तिलक, हाथ में बंसरी, बस एक मोर पंख और होता तो पूरे कृष्ण भगवान बन जाते। अरे बोल दे घूने का कौन हो तुम लोग? पहले ये बता तू कौन है बे? बे बे, अरे पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो बे? तुम लोग जानते नहीं मैं कौन? चलो चलो फुड़ा दे बार। भीम ये साला कोई गुंडा दिखता है, बहुत तड़क के बात कर रहा है। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। फिर से बोल। कुछ नहीं बोला। फिर से बोल। कुछ नहीं गलती से मेरे मुंह से निकल गया, जुबान मेरी फिसल गई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप ढोलक बहुत अच्छा बजाते हैं, मेरा नाचने को दिल कर रहा था। और आपकी बांसुरी, वाह वाह कमाल, मैंने ऐसी बांसुरी और आप जैसा ढोलक तो कभी सुना ही नहीं। क्यों बे? बहुत चढ़ा कर आया क्या? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, आज मौसम बहुत अच्छा था ना। आपने नहीं पी? आप भी पीजिए, ये लीजिए लीजिए, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं गलती से किसी गलत घर में घुसाया, मैं अपने घर चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते। चपड़ गंजू पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे जहाँ से भी आया हो, लौंडा बड़ा भला निकला, बोतल दे गया, रात अच्छी कट जाएगी। सालों ने रात खराब कर दी और मुझे मारने को आया। कोई बात नहीं, आज तो मैं यहीं सो जाता हूँ, कल सुबह देख लूंगा। मेरे कमरे में घुसकर, मेरा तबला बजाकर, मेरी बंसरी बजाकर मुझे बाहर निकाल दिया। भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया है। हाँ रामलाल तेरे लिए कितनी डाल। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हमने आज तक नहीं पिया, बुढ़ापे में क्यों अपना धर्म भ्रष्ट करें। अरे ठीक है नहीं पीता तो मत पी, तू पानी तो डाल। हाँ पानी हाँ। डाल देते हैं। ये ले
अरे ये तो खत्म हो गया पानी। रामलाल जरा नीचे जाके ठंडी मशीन में से पानी तो ले आ। अरे भाई लाते हैं यार। भोलेनाथ। किशन डार्लिंग, सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज एक काम करोगे? क्या? नीचे जाकर चंदू से कहे आओ कि गर्म पानी ले आए, मुझे गोली खानी है। चंदू को इस वक्त उठाना ठीक रहेगा? अरे वो सो कहाँ रही होगी, वो तो अपने पति की यादों में खोई होगी। लेकिन ठीक है। बेटी बेटी, तेरे पति ने सोने के लिए तुझे ये बिस्तर दिया है? वो आज मुझे बिस्तर पे नहीं सोना है बापू। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं बेटी, तेरे इस झूठ के पीछे छुपा हुआ दर्द मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है बापू, मैं बहुत सुखी हूँ। सुखी है? तू कितने सुखी है, इस फोटो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किसन ने हमसे किस जन्म का बैर निकाला है। इन्हें मत कोसो बापू, ये बहुत अच्छे आदमी है। बाबूजी ने इनकी पसंद न पसंद की बिल्कुल परवाह नहीं की और मुझ जैसी बदसूरत गंवार को इनके सर मर दिया। पता है मुझसे शादी करने के बाद इनकी जिंदगी नरक बन गई है। बेटी अपने जीते जी मैं तेरी जिंदगी नरक नहीं बनने दूंगा, कल ही मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। हाँ बापू, तुम ही कहा करते थे कि बाप के घर से बेटी की डोली जाती है और पति के घर से उसकी अर्थी। मैं यही रहूंगी बेटी। बापू मैं तुमसे विनती करती हूँ, बाबूजी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो इनके मन की शांति और मेरी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। बेटी अपनी इस चीज को तू खुशी कहती है? हाँ बापू, हालांकि उन्होंने राधा बहन से शादी कर ली है लेकिन इन्हें 24 घंटे मेरा ख्याल रहता है। मेरी आंख में छोटा सा भी तिनका पड़ जाए तो दुख राधा बहन को होता है। जब ये दोनों मुझे इतना चाहते हैं, मेरी इतनी फिक्र रखते हैं, तो मुझे इससे बढ़कर और कौन सी खुशी हो सकती है। बापू राधा बहन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए सूरज निकलने से पहले तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तेरी जिंदा लाश को देखने के बाद भी मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाने को कह रही है बेटी? लिखे को कौन मिटा सकता है बापू, नसीब अपना अपना। आज कम से कम मैं इनके पास तो हूँ, इस घर में शांति तो है। अगर राधा बहन को पता चल गया इनकी जिंदगी दोबर हो जाएगी और अगर बाबूजी को पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तुम क्या चाहते हो, विधवा होकर सारी जिंदगी में तुम्हारे घर पर रहूं या सुहागन बनकर दोनों घरों की लाज बचाए रखूं? बापू मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सुबह होने से पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बापू, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। बेटी, बेटी, रोती नहीं बेटी, मेरी बच्ची, भगवान किसी दुश्मन की बेटी की भी ऐसी दुर्दशा न करे। ठीक है बेटी, कल सुबह होने से पहले ही मैं भीम को लेकर यहां से चला जाऊंगा। चलता हूं बेटी, चलता हूं।
भीम, इस ग्लास में भी डाल, हम भी पियेंगे। अरे वाह, ये विलायती है, बहुत तेज है। आज तो तू जहर भी पिलाएगा ना, वो भी हम पी जाएंगे। क्या बात है, नीचे जाने से पहले तो ना कर रहा था, अब क्या हो गया? बिटिया की खुशी देख के पागल हो गया हूँ। जो सपने भी नहीं सोचा था वो अपनी आंखों से देख लिया। अरे तेरी आंखों में आंसू? अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। ले पी, ये ले। अरे पानी। अरे वाह। और ले 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 ले। अरे एक ही दिन की खुशी देख के बेटी की तो गिलास पे गिलास चढ़ाया जा रहा है, अगर एक महीना उसके साथ रह गया फिर क्या करेगा? अरे एक बोतल तो क्या, हम दुकान की दुकान पी जाएंगे। हाँ ले। रे भीम, एक बात हम भूल ही गए थे। क्या? अभी याद आई है। वो है ना, ट्रैक्टर की किस्त भरनी है परसों। अगर नहीं भरी गई तो बैंक वाले ट्रैक्टर उठा के ले जाएंगे। चल अभी गांव चलते हैं। अभी? हाँ। अरे किशन को मिले बगैर कैसे जाएंगे? अरे किशन, किशन तीन चार दिन के बाद आएगा, ये बहुत जरूरी काम है, हमारी इज्जत का सवाल है, चलना। ठीक है भाई, तेरी इज्जत हमारी इज्जत है। किशन कहाँ भागा जा रहा है, फिर कभी उससे मिलने आ जाएंगे। चल चल चलते हैं, चल आजा, चल आजा आजा। अल्लाह हमें दे। जी, इतने परेशान क्यों हो? वो लोग चले गए। चंदू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चंदू, समझ में नहीं आ रहा इस उलझन को कैसे सुलझाऊं। उलझन? कैसी उलझन? आखिर तुमने किया ही क्या है? ये सवाल तुम पूछ रही हो? मैंने तो वो पाप किया जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। चंदू, मैं ये समझता रहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी। लेकिन आज जाना कि सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सीरत ही सब कुछ होती है। और सच पूछो तो मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूं। चंदू, तुमने इतनी तकलीफें सही, इतने दुख झेले और एक उफ तक नहीं की, मुझे से राक्षस को देवता मानती रही, क्यों चंदू क्यों? इसलिए कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं, मेरे नसीब की है, जो मुझे यहां तक घसीट लाया और तुम्हारी हस्ती खेलती दुनिया में जहर घुल गया। जहर तो मैंने घोला तुम्हारी जिंदगी में, मैंने तुम्हें वो कोई भी सुख नहीं दिया जो एक पति को देना चाहिए था। आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, तभी मैं चैन से मर सकूंगा। चंदू नहीं, नहीं, ऐसा अशुभ नहीं बोलते जी। मुझे माफ कर दे चंदू, मैं माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रोते नहीं जी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, चुप हो जाओ। छोड़कर चले गया या तू अपने पति को छोड़कर चली आई? तू औरत है क्यों? मैं तुझे तेरे पति से मिलाने की कोशिश कर रही थी और तूने मुझसे मेरा ही पति छीन लिया। चिड़े, हर शुक्रवार को मंगलसूत्र की पूजा किया करती थी, किस लिए? दूसरों का सुहाग उजाड़ने के लिए? बोल, जवाब दे, बोल दे क्यों नहीं? अब तू मेरे घर में एक मिनट नहीं रह सकती, मैं तुझे क्या कर रहा था? नहीं, राधा, राधा, मेरी बात सुन, राधा, 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 मेरी बात तो सुनो, राधा, राधा, परामर्श, नालाय, राधा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, निकल जाएगा, मिलेगा, मैं
मैडम होश में आओ, होश में आओ, ना जाओ। इसका कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूर नहीं है, इसका कसूरवार मैं हूं, गुनहगार मैं हूं। हाँ, मैं ही इसका खोया हुआ पति हूं। क्या तुम इसके पति हो? हाँ हाँ हाँ, मैं ही इसका पति हूं। धोखेबाज, फरेबी, मक्कार, तुम हमारी जिंदगियों से खेलते रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। दीदी, ये तुमने क्या कर डाला राधा पर? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ जी। नहीं, डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे छोड़ के मत जाओ किशन, मत जाओ। राधा, मेरे गुनाह की सजा खुद को देकर तुमने मेरा गुनाह और भी बड़ा कर दिया राधा, और भी बड़ा कर दिया। नहीं नहीं किशन, संगम तो दो पवित्र नदियों का ही होता है, तीसरे को तो खोना ही पड़ता है। मैं अनजाने में तुम दोनों के बीच में आ गई थी, मुझे खोना ही चाहिए किशन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रोते क्यों हो दीदी? जोड़ी राधा किशन की नहीं, किशन और रुकमणी की होती है। और मैं तो राधा हूं ना। मेरे कसूर के लिए तुमने ये कुर्बानी क्यों दी राधा? ये कुर्बानी नहीं है किशन, बड़ी बहन के सुख के लिए ये मेरा फर्ज था। उसके गुनहगार तो मैं हूं, मैंने इसका पति छेड़ा है। किशन, तुम्हारी पत्नी बनकर मैंने तो कुछ दिनों का सुख पा भी लिया, लेकिन इस बेचारे ने तो दुख ही दुख सहा है। किशन, इसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि अपने पिछले तमाम दुख भूल जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है, पूरी करोगे ना? दीदी, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि एक दिन तुम्हारे पति को तुम्हारे पास जरूर ले आऊंगी। दीदी, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। भला है, बुरा है।